दोस्तों भी हाल ही में रशियन मीडिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि पीएम मोदी जुलाई में रशिया की विजिट पर आ सकते हैं, लेकिन इस अपडेट के 24 घंटे बाद ही एक और काफी बड़ी अपडेट सामने आई जो भारत के लिए बेहद ज्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान को रूस से भारत तक बन रहे INSTC से जुड़ने के लिए निमंत्रण दिया है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इसके लिए तैयार हो गया है। इससे पाकिस्तान को अब सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के राजी होने से भारत के लिए यह एक चिंता की बात है। INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से भारत तक वाया ईरान बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का विकल्प ढूंढने के लिए ही इसका निर्माण हो रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान को भी इसमें जोड़ने की तैयारी हो गई है। अभी तक इस कॉरिडोर में पाकिस्तान नहीं था, ये ईरान से सीधा भारत तक बनाया जा रहा था। यह योजना 7200 किलोमीटर लंबी मल्टी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की योजना है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। इस मामले की जानकारी खुद रूस में पाकिस्तान के राजदूत खालिद जमाली ने मीडिया से बात करते हुए दी। उन्होंने कहा कि खुद पुतिन ने पाकिस्तान को इस कॉरिडोर में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था। अगर पाकिस्तान इस कॉरिडोर का हिस्सा होगा तो इससे उसके व्यापार को काफी फायदा मिल सकता है। यूरोप में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के लिए ये एक फायदेमंद साबित होगा। अभी अगर पाकिस्तान को यूरोप से व्यापार करना हो तो इसमें समुद्र के रास्ते काफी वक्त और पैसा भी अधिक लगता है, लेकिन इस कॉरिडोर में उसके जुड़ जाने से पैसे और समय उसके बचेंगे। पाकिस्तान के इस कॉरिडोर में जुड़ने से भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। अगर पाकिस्तान इसका हिस्सा होगा तो जब सामान ईरान से भारत आएगा तो पाकिस्तान बीच में टैक्स लेगा। इसके अलावा अगर भविष्य में भारत पाकिस्तान के रिश्ते खराब हुए या तनाव की स्थिति आई, जो कि ज्यादातर समय रहती है, तो पाकिस्तान भारत के सामान को यूरोप ईरान में जाने से रोक सकता है। ऐसा ही वहां से आने वाले सामान के लिए भी वो कर सकता है। ईरान के रास्ते भारत आने वाले गैस पाइपलाइन का काम अभी तक अटका ही हुआ है। वहीं एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर पाकिस्तान INSTC से जुड़ेगा तो वह भविष्य में चीन के साथ बन रहे CPEC को इससे जोड़ सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में एक्सपर्ट ये मानते हैं कि पाकिस्तान की राह आसान नहीं होने वाली। अमेरिका रूस के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए इस प्रस्ताव से भड़क सकता है। इसके अलावा अफगानिस्तान और ईरान भी इससे नाराज हो सकते हैं। रूस और ईरान में बन रहे रेल मार्ग पर ईरान करोड़ों डॉलर खर्च कर रहा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पुतिन आने वाले समय में पाकिस्तान को ब्रिक्स का सदस्य बनाने के लिए समर्थन दे सकते हैं। चीन तो पहले से ही पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हुआ है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को इसका विरोध करना चाहिए और पाकिस्तान को INSTC में शामिल होने से रोकना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर ग्रीस और भारत से जुड़ी हुई है। दरअसल भारत और ग्रीस की दोस्ती लगातार मजबूत होती जा रही है। दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य अभ्यास भी होता है। हाल ही में अमेरिका की वायुसेना के रेड फ्लैग अभ्यास के बाद भारत के राफेल विमान ग्रीस पहुंचे थे। इस दौरान ग्रीस और भारत की सेना सैन्य अभ्यास करेंगे। भारत के लिए ग्रीस महत्वपूर्ण रणनीतिक तौर पर सहयोगी है। ग्रीस के पास भी पहले से ही राफेल फाइटर विमान है। इस बीच खबर ये आ रही है कि भारत और ग्रीस फ्रांस से और अधिक राफेल विमान खरीदना चाहते हैं। भारत को नेवी के लिए राफेल M की जरूरत है, जिसको लेकर फ्रांस और भारत के बीच लगातार बातचीत भी चल रही है। भारत इस डील को फाइनल करने के करीब है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस भी काफी बड़ी संख्या में फ्रांस से विमान खरीदना चाहता है। इस बीच रिपोर्ट यह है कि ग्रीस और भारत मिलकर दोनों ही फ्रांस को अप्रोच कर सकते हैं। वहीं दोनों देश मिलकर एक साथ अपनी डील को फाइनल कर सकते हैं। ग्रीस का मानना है कि अगर भारत और ग्रीस फ्रांस के साथ डील करेंगे तो इससे डिस्काउंट और साथ ही राफेल में एडवांस तकनीक समेत कई अन्य मुद्दों पर बात हो सकेगी। ऑर्डर बड़ा होगा तो फ्रांस भी उसकी डिलीवरी में थोड़ा जल्दी कर सकता है। वहीं राफेल के लिए भारत ग्रीस को एयर लॉन्चर भी दे सकता है। इसकी इजाजत फ्रांस पहले ही दे चुका है कि राफेल में DRDO द्वारा विकसित हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया में किसी अन्य देश को भी इसकी आवश्यकता होगी तो DRDO हथियारों को एक्सपोर्ट कर सकता है। ये हथियार आसानी से राफेल में फिट हो सकते हैं। वहीं माना जा रहा है कि ग्रीस और भारत अगर साथ राफेल खरीदते हैं तो स्पेयर पार्ट में कोई खराबी आने पर दोनों एक दूसरे की आसानी से मदद कर पाएंगे, क्योंकि ऑर्डर के मुताबिक दोनों को एक जैसा विमान मिलेगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। ग्रीस को भारत के राफेल के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन कुछ का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रीस और भारत पुराने मित्र देश हैं और दोनों के दुश्मन भी पाकिस्तान और तुर्की है, यानी दोनों का मकसद भी एक ही है। वहीं हाल ही में ग्रीस के सैन्य चीफ जनरल ने भारत की यात्रा भी की थी। इस दौरान डिप्लोमेसी और सैन्य संबंधों पर दोनों देशों ने
अपने संबंधों को मजबूत करने की बात की। अब ऐसे में क्या भारत को ग्रीस के साथ मिलकर फ्रांस के साथ ये डील करनी चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।